देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी लक्ष्य तो एक ही था कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक जायसवालों का जितना भी फंक्शन हुआ है मुंबई में पिछले 20 साल से, आई थिंक महिलाओं के लिए ऐसा विशेष महिलाओं के लिए जिसमें महिला बोलते आउटडोर एक्टिविटी हो, जिसमें महिला एक्चुअली एज अ टीम इन्वॉल्व हो, तो हमारा यही मोटिव था कि इस बार क्यों ना हम महिलाओं के लिए ऐसा करें जहाँ पर संस्था की 8 संस्थाएँ जो हमारी हैं एक साथ मिल के अलग अलग अपनी टीम बनाएँ और एक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलें। और मैं वो देख रहा हूँ कि सारी जो महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरह से ले रही हैं और कॉम्पिटिटिव भी हैं, और कहीं ना कहीं उनका कैच छूट रहा है तो उनको बुरा भी लग रहा है और सिक्स मारे तो उनको खुशी भी हो रही है। तो ये एक माहौल जो होता है वो अपने आप में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था समाज के लिए। और आई थिंक महिलाएँ हमारे समाज की 50% कॉन्ट्रीब्यूटर होती हैं, हम हमेशा 50% की नहीं सोचते, हम 50% की सोचते हैं। मेल डोमिनेंट वो है और हमारा समाज हमेशा कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट रहा है, लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं इसको चेंज करना चाहते हैं हम। और एक कोशिश है हमारी, हमारी ट्रस्ट की तरफ से कोशिश है। और JYF जो हमारा अभी नया वो है कि जो कंबाइंड एक यूनिट है 7 संस्थाओं का एक कंबाइंड यूनिट है और उसमें कुछ संस्थाएं अभी भी नहीं जुड़ी हैं, हम तो कोशिश करेंगे वो संस्थाएं भी जुड़े इससे और हमारे साथ मिलके कुछ अच्छा करें, हमारा यही कोशिश है। और एक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ की फॉर ऑल ऑफ अस और इसलिए हमने ये पूरा इवेंट आज रखा है। आज का कार्यक्रम काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे ट्रस्ट का ये मोटो है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम ध्यान दें और वुमेन्स के लिए कुछ करें, इसलिए हमने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया JYF के साथ और काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है समाज की तरफ से, समाज के वरिष्ठ लोगों की तरफ से, समाज के यंग लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोगों के लिए कर लिया लेकिन हम कई बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं और कोशिश ऐसा होगा हम एक ऐसा फंक्शन रखें और उसका नाम रखें एक शाम बुजुर्गों के नाम। ये मैं JYF को बोलूँगा कि ऐसा कुछ रखो जहाँ हमारे बुजुर्ग के लिए हो और उसका मोटिव मैं आप रिकॉर्ड करना और एक क्वेश्चन जरूर पूछना जब वो हम इवेंट रखेंगे। सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से जब हमने JCL लिया था तो हमारा एक मिशन क्लियर हो चुका था कि समाज के लिए हम कुछ नया करके दिखाएंगे। और ये एक तरह का बोलेंगे समाज में जब हमने JCL किया था एक वाइब्रेशन हुआ, एक तरह से क्रांति हुई और पूरे इंडिया लेवल पर स्प्रेड हुआ और उसकी हमारी देन है कि उसका जो हमको प्रतिसाद मिला पूरे इंडिया लेवल से और उन लोग का एक आकर्षण बढ़ा है। और इसके बाद हमने हमारा दूसरा उपलब्धि है महिलाओं लेडीज़ के और महिलाओं के विषय में और इसको हम अपने अच्छे ढंग से इसको हमने प्रस्तुत किया और जो जिज्ञासा और जो उत्साह और जो उन लोग की मेहनत देखे हैं वो हमारे JCL से भी ज़्यादा जो इनके चांस है वो देखने को हमको मिल रहा है। नहीं ख्याल तो जैसे कि सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी राजदीप और संदीप ने लास्ट टाइम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि महिलाओं के लिए हमें कुछ इवेंट करना है और महिलाओं की भी बहुत दीगर से डिमांड थी कि सर आप हमेशा मेल के लिए करते हो लेकिन फीमेल बेस प्रोग्राम नहीं होता है और हमने फीमेल बेस इवेंट किया और इसमें जितना बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिस्सा लिया और जितना इसको इवेंट को सक्सेस किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ JYF एंड सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्टी आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन फॉर मेकिंग दिस इवेंट। जायसवाल यूथ फेडरेशन का गठन 20 नवंबर को हुआ और 22 दिसंबर को इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये पूरा जो श्रेय जाता है ये हमारी कमेटी को और हमारे ट्रस्टी राजदीप गुप्ता जी और संदीप गुप्ता जी को जाता है। ये 32nd डे है जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। 22 नवंबर को हमारा गठन हुआ था जायसवाल यूथ फेडरेशन का और आज 22 दिसंबर को हम ये जायसवाल यूथ फेडरेशन का वुमेन बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय था कि लेडीज फर्स्ट, पहला कोई प्रोग्राम हो तो लेडीज फर्स्ट, ये हमारा दे था और ये आज हम लोगों ने सक्सेस किया। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जायसवाल वुमेन्स के लिए, जायसवाल यूथ फेडरेशन के तरफ से जो सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज 8 संस्था यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं जो बहुत अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं और इससे हमें पता भी चल रहा है कि औरतों में कितनी शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ घर नहीं बाहर आके भी अपना बेस्ट दे सकती है। सो टुडे ऑल गर्ल्स, आई थिंक ऑल जायसवाल वुमेन्स गर्ल्स सभी आए और
उनके सारे परिवार के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा है। थैंक यू सो मच। उनके राजीव संदीप भाई साहब का जो सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट जेवाइफ के थ्रू ये प्लेटफॉर्म दिया गया है सभी लेडीज़ को, ये मीना जी ने सही कहा कि जो हमारी कंजर्वेटिव फैमिली, जैसे लोगों के दिमाग में यूपी की फैमिली बोलेंगे तो कंजर्वेटिव फैमिली, पर आज यहाँ साबित हो गया माँ बेटी की जोड़ियाँ खेल रही हैं, यहाँ पे उम्र का कोई बैरिगेट्स नहीं है, हेल्थ का कोई बैरिगेट्स नहीं है, तो सारा जोश जो भर के दिखाई दे रहा है, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि जायसवाल अब पीछे नहीं है। जैसे यशस्वी जायसवाल को भी हमें राजदीप भाई साहब ने प्रमोट किया है, आज वो आईपीएल में है, नैना जायसवाल है, तो हम जायसवाल अब पीछे नहीं रह गए हैं, तो जायसवाल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और हम मैं शुक्रिया तहे दिल से करूँगी राजदीप और संदीप भाई साहब का कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और ये कोर कमेटी की इतनी मेहनत है कि इन्होंने सब चीज़ों को जोड़ा है, तो आई विल जस्ट है कि एक बार कोर कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच टू राजदीप जी एंड संदीप जी फॉर मेकिंग मी अ डायरेक्टर फॉर दिस इवेंट। और हमने बहुत कोशिश किया, लास्ट फ्रॉम वन मंथ आई एम रनिंग थ्रू दिस इवेंट एंड आई एम सक्सेसफुल। आई हैव कॉल्ड ऑल द एट संस्थास, ऑल द लेडीज आर यूनाइटेड विद दिस प्रोग्राम एंड इट्स रियली गोइंग ऑन वेल एंड आई होप इट विल बी सक्सेसफुल। इवेंट्स वगैरह सब देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आईपीएल में यशस्वी जायसवाल है, नेक्स्ट ईयर वुमन आईपीएल में हमारी बोलना चाहती हूँ और जॉय फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पर खेलने के लिए और उनकी अपॉर्चुनिटी की वजह से मैंने 51 रन्स स्कोर किया है फोर एक इनिंग में, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और होप्स हम फाइनलिस्ट बनेंगे इस इवेंट के और ये इवेंट सक्सेसफुल होगा और नेक्स्ट टाइम भी हम पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। संदीप भाई को शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं, हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का मौका दिया गया हुआ है और मैं डोम्बोली संस्था जो है हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट करती है कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी हो आगे लाने की। हमारे जायसवाल समाज में पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजदीप और संदीप जी को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जे वाई एफ, जिसमें 8-9 संस्था एक साथ एकजुट होकर एक साथ मिलकर परफॉर्मेंस करी, ये पहली बार है, इसके लिए पहली बार महिलाएं अपने घर से निकल के ये परफॉर्मेंस कर रही है और ये हमारी पहली शुरुआत है। हम चाहेंगे कि हमारे अखिल मुंबई से हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में एक और जेसीएल यानी वुमेन जेसीएल, वुमेन जायसवाल क्रिकेट लीग करने वाले हैं, जिसका मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज कैंटीन पर वीडियो सहित पूरी डिटेल और हमारे जी न्यूज कैंटीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।